वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लाइनेक्स किंग्स में। तो दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ ओएस टिकट सिस्टम के बारे में। तो आप लोगों में बहुत से वो लोगों को पता नहीं है कि ओएस टिकट सिस्टम होता क्या है और क्या काम आता है, हमें क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें जो ओएस टिकट सिस्टम है उसका यूज लेना पड़ा। ओएस टिकट है दोस्तों, उसकी फुल फॉर्म होती है ओपन सोर्स टिकट सिस्टम। तो दोस्तों, सपोज आपकी कोई कंपनी है, उसमें आपके पास लॉट्स ऑफ कस्टमर इंक्वायरीज आती है, ठीक है, आप उसको कहाँ पे मैनेज करोगे, ठीक है। तो ये जो ओएस टिकट सिस्टम है वो हमें एक हेल्प डेस्क सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिससे हमें क्या होता है कि हम सभी जो कस्टमर कंप्लेंट्स और इंक्वायरीज है उनको एक साथ मैनेज कर सकते हैं। हम ओएस टिकट में क्या करते हैं, उनको एक टिकट अलॉट करते हैं, जिससे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कस्टमर की जो भी कंप्लेंट या इंक्वायरीज है एक ही टिकट के थ्रू हम उसको सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम इसको इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो इसको इंस्टॉलेशन करने वाले हैं, मैंने आपको बताया कि हम इसको उबंतु में करने जा रहे हैं। मैं आपको आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि हमारा जो RHCL है, रेड हैट एंटरप्राइज, उसके अंदर इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो सब पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, जो हमारा उबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको ओपन कर लेना है। इसके नेक्स्ट हम यहाँ से हमारा जो टर्मिनल है उसको ओपन करेंगे। टर्मिनल ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारी जो भी सिस्टम है उसको सबसे पहले अपडेट करना है, ठीक है। तो अपडेट करने के लिए हम यहाँ पे कमांड डालेंगे sudo apt update, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट रूट प्रिविलेज मोड में जाके, मतलब रूट की एक्सेस लेके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमसे रूट का जो पासवर्ड है वो पूछेगा, तो मैंने इसको रूट का पासवर्ड दे दिया है और ये यहाँ पे ऑलमोस्ट जो अपडेट है वो हो चुका है। तो मैं यहाँ पे रूट की एंट्री ले लेता हूँ, जिससे कि मुझे बार बार जो sudo कमांड है उसका यूज लेना ना पड़े। तो मैं, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं रूट के अंदर एंटर हो चुका हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ से थोड़ा जूम इन भी कर लेता हूँ, जिससे कि आपको यहाँ से क्लियर दिख सके। तो होपफुली यू कैन सी, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट, तो मैं आपको इसकी जो प्री रिक्वायरमेंट्स है वो भी दिखा देता हूँ कि जब आप ओएस टिकट इंस्टॉल करोगे तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होगी। आप यहाँ पे सिंपली अपना जो ब्राउज़र है, फेवरेट ब्राउज़र, उसमें ओएस टिकट टाइप करना है, ठीक है, और एंटर कर देना है। तो जो फर्स्ट जो यहाँ पे लिंक दिखेगा, ओएस टिकट सपोर्ट टिकट सिस्टम, इस पर जाना है। आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, आप उसको जाके रीड भी कर सकते हैं। तो आप इसको ब्रीफ में रीड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन दे रखा है, और आप इसके जो, इसके दो वर्जन आते हैं, एक पेड होता है और एक फ्री। तो हम यहाँ पे इसका जो फ्री वर्जन है उसी को यूज़ लेने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी जो प्री रिक्वायरमेंट्स है, प्री रिक्विजिट्स, वो दिखा देता हूँ। है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो प्री रिक्विजिट्स, आपको अगर इंस्टॉल करना है ओएस टिकट, आपके पास मस्ट होना चाहिए क्या PHP 5.6 और बेटर, इसका जो अर्लियर वर्जन है वो होना चाहिए, और नेक्स्ट MySQL 5.0, मतलब कि MySQL का 5 जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 5K, और मैक्सिमम आप जो अर्लियर वर्जन जो भी है वो यूज ले सकते हैं, और जो PHP मैनेजर फॉर IIS जो भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स है वो आप ले सकते हैं। तो चलिए हम वापस आते हैं हमारा जो उबंतु है उस पर। अब हमने इसको जो क्या कर लिया है, अपडेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो मारिया डेटाबेस सर्वर है, ठीक है, उसको इंस्टॉल करेंगे MySQL को। तो हम यहाँ पे कमांड डालेंगे apt install मारिया डेटाबेस सर्वर, ठीक है, और ऐप इंस्टॉल मारिया डेटाबेस सर्वर, इसको टाइप करके आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो मारिया डेटाबेस सर्वर है वो इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो गया है। इसको लगभग 10 सेकेंड लगेंगे इंस्टॉल होने में। तो ये आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो और एक चीज़ और दोस्तों, जब भी आप इसका जो यूज़ लें, डेटाबेस का यूज़ करोगे, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इसमें छोटी सी भी एरर कर दोगे तो ये काम नहीं करेगा, आपको एरर शो करेगा। तो जो भी कमांड हो उसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं करेगा, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाएगी तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब नेक्स्ट, हमारा जो MySQL मारिया डेटाबेस सर्वर है वो इंस्टॉल हो चुका है। इसके नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारा जो MySQL है उसको थोड़ा सिक्योर बनाएंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कमांड डालनी पड़ेगी MySQL _secure installation, ठीक है। आपको सिक्योर डाल के टैब बटन का ऑप्शन यूज़ करना है। तो आप जैसे टैब पे क्लिक करेंगे तो ये कमांड कंप्लीट आ जाएगी। इसके नेक्स्ट यहाँ पे आपको रूट का पासवर्ड देना है। अगर आपने रूट का पासवर्ड नहीं दे रखा है तो ब्लैंक भी रख सकते हैं, ठीक है।
देखिए जब आप एंटर दोगे तो ये रूट का पासवर्ड मांग रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे रखे हैं, तो मैं यहाँ पे रूट का पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप रूट के जो पासवर्ड है वो चेंज करना चाहते हैं तो यस करें, यहाँ पे नहीं करना चाहते हैं तो नो करें। बाय डिफ़ॉल्ट ये यस पे रहेगा, ठीक है। आप जो एनोनिमियस यूज़र है उसको रिमूव कर दें, रिमोट लोकेशन को डिसअलाउ कर दें, ठीक है, और जो टेस्ट डेटाबेस है उसको भी रिमूव कर दें, और यहाँ पे जो रिलोड प्रिविलेज टेबल्स इसको यस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो हमारा जो डेटाबेस है उसको अपडेट कर दिया है, सिक्योर कर दिया है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम एक डेटाबेस क्रिएट करने जा रहे हैं जो कि हमें ओएसटीकेट में हेल्प करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे कमांड डालेंगे माई एस क्यू एल स्पेस हाइफन यू स्पेस रूट, ठीक है। आप अगर ये डालेंगे तो, क्योंकि अगर आपका जो रूट यूज़र है वो विदाउट पासवर्ड होता तो ये डायरेक्ट डालते ही यहाँ पे आप एक्सेस कर जाते, लेकिन हमने यहाँ पे पासवर्ड दे रखा है तो यहाँ पे हाइफन पी भी लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपका जो रूट का जो पासवर्ड है वो यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मैं जो मारिया डेटाबेस सर्वर है उसके अंदर एंटर हो चुका हूँ, ठीक है। अब हम जो रूट यूज़र है उसका जो डेटाबेस है उसमें, मतलब यूज़र है उसका, थोड़ा सा इसमें प्रिविलेज प्रोवाइड करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ परमिशंस देंगे। उसके लिए हम कुछ कमांड डालेंगे, तो मैंने एक फ़ाइल बना रखी है जिसमें सारी कमांड्स को राइट कर रखा हूँ, क्योंकि ये जो कमांड्स है बहुत एक्स्ट्रा कमांड्स है, बहुत बड़ी कमांड्स जो आप नॉर्मली याद नहीं रख सकते हैं। तो मैं आपको, अगर आप लोग भी इसको मतलब इंस्टॉल करेंगे, मैंने एक आर्टिकल जो मेरी वेबसाइट है linuxgeeks.com वहाँ पे अपलोड कर रखा है, आप वहाँ पे जाके जो भी कमांड्स है वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें जो रूट यूज़र है उसकी जो कुछ डिटेल्स हैं उसको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे डालेंगे अपडेट mysql.user set plugin equal mysql native password, ठीक है, वेयर यूज़र रूट, हम रूट यूज़र के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे, ठीक है। ठीक है, हमने इसको पेस्ट कर दिया है, और यहाँ पे फ्लश प्रिविलेजेस, इसको जो प्रिविलेजेस है उसको फ्लश करेंगे एंड देन क्वाइट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी एंटर। इसके बाद हम यहाँ पे क्वाइट राइट करेंगे। अभी यार ये कुछ एरर दिखा रहा है, एक मिनट मैं यहाँ से एक बार एग्जिट हो जाता हूँ, हम इसको यहाँ से दोबारा से लॉग इन करेंगे, क्योंकि स्लैश यस हमें इसमें दोबारा से एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर डेटाबेस में आप एक बार थोड़े से कुछ मिस्टेक कर देते हैं तो ये एरर बार बार शो करता है। तो बी केयरफुल जब भी आप ये करें। हम क्या करेंगे, यहाँ से इस कोड को एक साथ उठाएंगे, ठीक है, अगर इसको अलग अलग करते हैं तो ये दिक्कत करता है, हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं हमारी जो कोड है वो सही से वर्क कर रहा है, हमने यहाँ पे जो है वेयर रूट यूज़र, रूट यूज़र के लिए सारी परमिशन दी है। नेक्स्ट अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर करते हैं, और दोबारा से हमें क्या करना पड़ेगा, जो MySQL मारिया डेटाबेस है उसके अंदर जाना पड़ेगा। अभी हमने इसे यूज़र के लिए किया है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे OS टिकट, जिसका नाम होगा, जो OS टिकट है उसका जो डेटाबेस रखेगा और उसको मैनेज करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम जो कमांड चाहिए वो यहाँ पे ये है, क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, हमारा जो डेटाबेस है उसका नाम होगा OS टिकट अंडरस्कोर डेटाबेस। यहाँ पे DB है जो कंपलसरी है, वो हमें यहाँ पे रखना ही पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे DB नहीं लगाओगे तो हमारा जो डेटाबेस है वो काम नहीं करेगा। उसके नेक्स्ट हमने यहाँ पे इसको जो सारी परमिशन है वो प्रोवाइड कर दी है, और इसका जो पासवर्ड है वो ये रखा है, ठीक है, और यूज़र लोकल होस्ट पे हमारा जो भी यूज़र होगा वो नॉर्मली एक्सेस कर सकता है, एंड थ्रू सॉरी फ्लैश प्रिविलेजेस, ठीक है। तो ये कमांड हमें यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ओके, हमारा जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट यहाँ पे मेरे को ये दिखा रहा है कि डेटाबेस एग्जिस्ट, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक OS टिकट डेटाबेस के नाम से डेटाबेस क्रिएट कर रखा है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो है मेरे को आ रहा है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको ये वाली जो लाइन है एरर शो नहीं करेगा, ठीक है। तो अब मैं मेरी जो स्क्रीन है इसको क्लियर कर लेता हूँ। इसके नेक्स्ट हमें जो ज़रूरत है वो किसकी पड़ेगी, अपाची सर्वर की, क्योंकि हम जो OS टिकट है वो अपाची सर्वर के थ्रू ही एक्सेस करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको इंस्टॉल करेंगे, उसके इंस्टॉलेशन की कमांड होती है apt install apache 2, ठीक है,
और यहाँ पे स्टार लगा देंगे जिससे कि इसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो इंस्टॉल हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो अपाचे सर्वर है वो इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों ये जो भी सारे रिक्वायरमेंट्स है या फिर जो भी नेसेसरी चीज़ है कमांड्स है वो आपको ध्यान से देखनी है, आपको कुछ भी थोड़ी बहुत भी एरर नहीं करनी है, मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप कुछ भी थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दोगे तो आपका जो OSTKit किट का है या फिर डेटाबेस का है वो सही से वर्क नहीं करेगा और बाद में आप कमेंट के अंदर कुछ डालोगे कि ये काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आपको ये ध्यान से देखना है, बहुत ईजी मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको बस थोड़ी सावधानी रखनी है जिससे कि आप इसको अच्छे से इंस्टॉल कर सके। तो ये जो मेरी पहली वीडियो है OSTKit के ऊपर, मैं इसमें आपको सिर्फ इंस्टॉलेशन की वीडियो है, इंस्टॉलेशन के बारे में बताऊंगा। इसके नेक्स्ट एक वीडियो और आएगी जिसमें हम ईमेल जो है हमारा जीमेल सर्वर, याहू मेल, हॉटमेल, आउटलुक जो भी है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, एक मेल सर्वर सेटअप करेंगे जो हमें क्या करेगा, टिकट अलॉट करेगा और जो भी हमारा कस्टमर है उसको टिकट अलॉट करके हम जो उसकी कंप्लेंट या इंक्वायरीज है उसको मैनेज करना सीखेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरी देखिए, ध्यान से देखिए, जहाँ पे दिक्कत हो उसको पॉज करके दोबारा से देखिए जिससे कि आपको समझने में भी आसानी हो और जहाँ पे ज़रूरत पड़े आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वेट करते हैं कि जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारा जो चैनल है लिनक्स किंग्स, ठीक है, उसको जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ठीक है, बहुत ही अच्छा चैनल है। अगर आप लिनक्स या फिर आप बोल सकते हैं आईटी फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है, स्पेशली फॉर लिनक्स एंड नेटवर्किंग दोनों के लिए है, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों वापस आते हैं, तो अब हमारा जो अपाचे सर्वर है वो इंस्टॉल हो चुका है, नेक्स्ट क्लियर। अब हम क्या करेंगे, जो अपाचे सर्वर है उसकी जो सर्विसेज है उसको स्टार्ट करेंगे। तो उसकी स्टार्टिंग के लिए हमारी जो कमांड है वो है सिस्टम CTL स्टार्ट एंड अपाचे 2.service एंड एंटर। तो हमारा अपाचे सर्वर स्टार्ट हो चुका है, आप इसका जो स्टेटस है वो भी चेक कर सकते हैं, स्टेटस एंटर। तो आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि जो हमारा अपाचे सर्वर है वो एक्टिव है एंड रनिंग है। मैं आपको एक दूसरे तरीके से भी इसको दिखा सकता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे अपनी जो आईपी है वो चेक करेंगे। तो जो मेरी आईपी है वो 92.168.40.127, मैं इसको कॉपी करता हूँ, जो मेरा ब्राउज़र है इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो ब्राउज़र है इसमें हमारी जो आईपी है उसको डालेंगे और भी चेक करेंगे कि ये वर्किंग है या फिर नहीं है। ओके, जो मेरा ब्राउज़र है वो ओपन हो चुका है एंड मैं यहाँ पर आईपी डालता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो मेरा अपाचे सर्वर है उसका जो डिफ़ॉल्ट पेज है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो ये कुछ बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स है जो हमें OSTKit के इंस्टॉलेशन से पहले करनी होती है, ठीक है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका जो OSTKit है वो सेटअप नहीं होगा। अब इसके नेक्स्ट हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो क्या है, जो PHP की रिक्वायरमेंट थी, मैंने यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें भी दिखाया था, जो वर्जन है इसका 5.6 और बेटर देन दिस, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। यहाँ पे इसके जो कमांड है, जो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो ये सारी रिक्वायरमेंट्स है जो हमें यहाँ पे इसकी आवश्यकता है। तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसको हमारा जो टर्मिनल है Ubuntu का उसमें पेस्ट कर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो PHP की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, हम जो हमारा OSTKit है उसको इसका जो इंस्टॉलेशन वो स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, जो PHP है उसका जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट कर लेते हैं। ये ऑलमोस्ट हो ही चुका है, अभी थोड़ी कुछ प्रोसेसिंग बाकी है। इसके करने के बाद हम जो OSTKit है उसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। हम OSTKit को भी दो तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, एक हम GitHub के थ्रू कर सकते हैं और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसके जो साइट है उस पर जाके इसका जो APK जो बोल सकते हैं या फिर जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोनों मेथड मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कैसे करना है। अगर वीडियो अगर ज़्यादा लंबी बन गई तो मैं यहाँ पे एक ही मेथड यूज़ करूँगा और दूसरी मेथड के लिए एक और वीडियो आपके लिए मैं ला सकता हूँ।
ठीक है। तो ये हमारे जो PHP की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है। हम PHP का जो वर्जन है वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। PHP-V वी फॉर वर्जन, तो इसका जो वर्जन है 7.2 है, ठीक है। तो मतलब हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो मीट हो रही है यहाँ पे। इसके नेक्स्ट, ठीक है, हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। नेक्स्ट हमें कुछ ये रिक्वायरमेंट चेक कर, डब्लू गेट अनजिप, ठीक है। ये मेथड से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो एक लिंक के थ्रू हम क्या करेंगे, जो OSTGET का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको डाउनलोड करेंगे। आप डायरेक्ट जो उसकी जो जिप फाइल है उसको डायरेक्ट भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और यहाँ पे आप इस कमांड के थ्रू भी इसको डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोनों मेथड ईजी है, आप दोनों में से कोई सा भी यूज ले सकते हैं। तो मैं पहले ये जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी यार, ठीक है। मैं यहाँ पे एंटर देता हूँ, तो मेरे यहाँ पे जो तीनों रिक्वायरमेंट है वो इंस्टॉल हो जाएगी, कर्ल की, डब्लू गेट की और अनजिप की। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं पहले। ओके, ये तीनों इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हमारे पास जो ये लिंक है इस फाइल के अंदर, कर्ल क्या करेगा, इस कर्ल हमें कोई भी लिंक से कोई भी फाइल डाउनलोड करने की जो कैपेसिटी है वो देता है, फैसिलिटी अवेलेबल कराता है, ठीक है। ग्रैप कमांड के थ्रू हमने क्या किया है, यहाँ पे हमारा जो ब्राउज़र URL है उसमें जो OSTGET है पर्टिकुलर जो लेटेस्ट वर्जन है उसी को डाउनलोड करेगा, ठीक है। तो हम इस जो कमांड है इसको कॉपी करते हैं। आप इसको डायरेक्ट भी इंस्टॉल कर सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर दिया है, कर्ल, ओके, सॉरी, मैंने यहाँ पे 13 नंबर भी कॉपी कर दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको बैक लेता हूँ थोड़ा, यहाँ से कर्ल से पहले जो 13 है इसको रिमूव करता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि ये शायद 48 MB या लगभग कुछ इसी इतने ही MB के साइज़ का होगा, तो इसको डाउनलोड होने में 1 से 2 मिनट लगेगा, इसलिए वेट करें थोड़ा, बी पेशेंट। ये नेट के ऊपर डिपेंड करेगा ये कितने टाइम में होता है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो इसके डाउनलोड होते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो लेटेस्ट वर्जन है 1.14.3 है। तो जैसे ये डाउनलोड होगा हमारे पास एक जिप फाइल आ जाएगी, हमारा जो रूट फोल्डर है उसकी जो होम रूट यूज़र है उसकी जो होम डायरेक्टरी है उसमें एक OSTGET के नाम से एक फाइल आ जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको अनजिप करेंगे, ठीक है। अनजिप हम एक डायरेक्टरी में करेंगे जिसका नाम होगा OSTGET, या फिर आप हमारे पास एक कमांड है डायरेक्ट, ठीक है, ये वाली जो कमांड है इसको भी यूज ले सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिक क्या करेगी, OSTGET एक फोल्डर क्रिएट कर देगी और आपको यहाँ पे मैन्युअली एक डायरेक्टरी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अनजिप हो चुकी है। आप दोस्तों आप देख सकते हैं OSTGET नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। तो हम OSTGET फोल्डर के अंदर जाते हैं और चेक करते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो ये दो फोल्डर्स हैं, अपलोड और स्क्रिप्ट, इसकी हमें बहुत आवश्यकता होगी। अब इसके नेक्स्ट हम वापस जो रूट डायरेक्टरी है उसके अंदर आते हैं और स्क्रीन को क्लियर करते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसको पहले CP कर लेते हैं। हम जो OSTGET जो फोल्डर है इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और हमने जो अपाची जो वेब डायरेक्टरी है अपाची सर्वर की उसके अंदर इसको कॉपी करेंगे। तो जो WWE वाली WWW वाली जो डायरेक्टरी है उसके अंदर इसको कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे ये हमें क्या कर रहा है, ओमिट कर रहा है, क्योंकि ये जो सिंपल डायरेक्टरी नहीं है। तो हम यहाँ पे कैपिटल R का यूज लेंगे, CP-R और एंटर। तो ये जो फाइल जो डायरेक्टरी है वो ये कॉपी हो चुकी है। तो चलिए क्रॉस चेक करते हैं ये यहाँ पे कॉपी हुई है या फिर नहीं हुई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं OSTGET नाम की एक डायरेक्टरी आ चुकी है, ठीक है। इसके नेक्स्ट हमें एक क्या करनी पड़ेगी, एक वर्चुअल होस्टिंग के लिए एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, जिससे कि जब हम अपाचे को एक्सेस करेंगे तो हमारे जो OSTGET वाला जो फोल्डर है उसको एक्सेस कर ले। तो उसकी जो कमांड्स है वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है ऑलरेडी, तो मैं उसको डायरेक्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों ये है वो फाइल जो हम क्रिएट करेंगे, और क्रिएट कहाँ पे करेंगे, ETC अपाचे 2 साइट्स इनेबल्ड, ठीक है। ये जो पाथ है यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे और इस फाइल का नाम रखेंगे हम OSTGET.conf, और हम इसको विम के थ्रू करने वाले हैं, विम एडिटर का यूज लेके करेंगे। ओके, तो मैं वापस आता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, विम ETC अपाचे 2 साइट्स इनेबल्ड एंड OSTGET.conf। दोस्तों आप यहाँ पर वी एडिटर और विम दोनों का यूज ले सकते हैं जो आपको फेमिलियर लगे।
अगर आपके पास विम इंस्टॉल नहीं है तो आप एप्ट इंस्टॉल विम का जो यूज़ है वो ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो विम एडिटर है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। और आपको क्या करना है, ये जो कोड है मेरी साइट लाइनक्स किंग्स पे मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें ये कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो सिस्टम है उसकी आईपी चेक करेंगे। तो मैं एक टर्मिनल खोल के यहाँ पे मेरे जो सिस्टम है उसकी आईपी चेक कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं मेरे सिस्टम की आईपी ये है फिलहाल। मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिए। आप यहाँ पे आपका जो भी सर्वर नेम है वो टाइप कर सकते हैं, एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो एलियाज है, ठीक है, वो राइट कर सकते हैं, और बाकी इसको यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एडमिन एट लाइनक्स किंग्स टाइप कर देता हूँ, लाइनक्स किंग्स, ठीक है, .com। तो अब मैं इसको यहाँ से सेव कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने ये फाइल है वो यहाँ पे सेव कर दिए। अब मैं यहाँ से इसको स्क्रीन को क्लियर करूँगा, एंड देन अब हमें क्या करना होगा, हमें अपना जो ब्राउज़र है उसको ओपन करना है, और हमारा जो सिस्टम है उसकी आईपी यहाँ पे जो हमने किया था इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चालू नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो अपाचे सर्वर है उसकी जो सर्विस है उसको रिस्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम कमांड डालेंगे सिस्टम CTL रिस्टार्ट अपाचे 2 डॉट सर्विस। तो हमारा जो अपाचे सर्वर है वो दोबारा से स्टार्ट हो गया है। तो हम इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। तो अब देख सकते हैं हमारे पास क्या गया है, जो HTML का जो डिफ़ॉल्ट पेज था उससे वो चेंज हो के OSTKit में चेंज हो चुका है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी प्री रिक्विजिट्स थी, इसके जो रिक्वायरमेंट्स थी, वो यहाँ पे कंप्लीट इंस्टॉल्ड है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे नेक्स्ट कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करके आपको यहाँ पे कुछ थोड़ा सा एक ही स्टेप और करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे एक कमांड दे रखी है, आप यहाँ पे इसको CLI मोड में यूज ले रहे हैं, आप इसको विंडो पावर सेल में यूज नहीं ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये कमांड है इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, और इसको जाके पेस्ट कहाँ करना है, हमें यहाँ पे जो जहाँ पे हमने OSTKit जो फोल्डर है, जो अपाची सर्वर की जो वेब डायरेक्टरी है, उसमें जाके इसको पेस्ट करना है। तो CD हम यहाँ पे अपना जो पाथ है, जो डायरेक्टरी है वो चेंज करते हैं WW के अंदर, ठीक है, CD WW, ठीक है, एंटर। अब हमारी जो हमने जो कमांड कॉपी की थी वो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है, एंटर इंक्लूड। तो हमें यहाँ पे जाके CD OSTKit में भी जाना पड़ेगा, OSTKit, एंड OSTKit के अंदर फोल्डर है अपलोड, या फिर ठीक है, OSTKit के अंदर जाके हमें क्या करना है दोस्तों, जो अपलोड फोल्डर है यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दो फोल्डर हैं, स्क्रिप्ट और अपलोड। तो हमें अपलोड के अंदर जाना है यहाँ पे एंटर, और यहाँ पे हमें ये वाली जो कमांड है वो पेस्ट कर देनी है। इससे क्या होगा, जो हमारी जो OSTKit है उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल बन जाएगी, ठीक है। तो इतना करने के बाद हमें वापस से हमारा जो ब्राउज़र है उसमें जाना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक जो परमिशन है, जो रिक्वायर्ड परमिशन है, जो OSTKit कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको परमिशन भी देनी पड़ेगी। तो इसको यहाँ से वापस कॉन्फिग करना है, कॉपी करना है, और यहाँ पे जाके वापस यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, और इसके अलावा आप कुछ नहीं करना है। इसके बाद वापस आप ब्राउज़र में आओगे, और यहाँ पर हमने सब कुछ कर दिया है और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आता है हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। यहाँ पर जो भी हम फिल करेंगे रिक्वायरमेंट्स या फिर जो डिटेल्स है वो हमें बाद में काम आएंगे, क्योंकि ये जो हमारा एडमिन यूज़र है वो उसी की डिटेल्स है जो हम यहाँ पे फिल करेंगे। जो भी हमें जो OSTKit सिस्टम को मैनेज करेगा उसकी डिटेल्स यहाँ पे हम फिल करेंगे। तो यहाँ पे हेल्प डेस्क का जो नाम रखना चाहते हैं आप, मैं यहाँ पे जो लाइनक्स किंग्स सपोर्ट लिख देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट मेल रहेगी मैं यहाँ पर रख देता हूँ support@linuxkings.com, ठीक है। इसके नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो यूज़र है एडमिन यूज़र उसका नाम देना है,
तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ विशाल, ठीक है, एंड देन लास्ट नेम भी देना पड़ेगा 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और जो ईमेल आईडी है वो मैंने ऑलरेडी एक ईमेल आईडी क्रिएट कर रखी है स्पेशल ओएस टिकट के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो मेरी ईमेल आईडी है वो चेक कर लेता हूँ एक बार। जो मेरी मेल आईडी है वो यहाँ पे रहेगी osticket@linuxkings@gmail.com, ठीक है, osticket.linuxkings@gmail.com। यहाँ पे आप किसी भी जो जीमेल सपोर्ट सर्विस है या फिर ईमेल सपोर्ट सर्विस है उसका यूज ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे जीमेल का यूज लेना है। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, मेरी ईमेल osticket@linuxkings.com, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो आपका जो एडमिन है उसका नाम देना है। मैं यहाँ पे यूज़र 123 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं जो पासवर्ड है वो दे देता हूँ। दोस्तों मैं इसको पासवर्ड दोबारा से देता हूँ, इसमें शायद सही से टाइप नहीं हुआ है। ये कई बार आपको जो स्लो प्रोसेसिंग है इसमें बहुत स्लो टाइप होगा, तो आपको ध्यान से इसको करना है, ठीक है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि ये पासवर्ड आपको बहुत काम आएंगे। तो मैं यहाँ पे इसका जो पासवर्ड है 12567 कर देता हूँ, ठीक है, ओके 126 एंड 126, ओके ऑल राइट। तो मैंने इसको जो पासवर्ड है वो दे दिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो डेटाबेस है OST, इसको आपको ब्लैंक छोड़ना है, और यहाँ पे हमारा जो MySQL डेटाबेस, ठीक है, हमने जिस डेटाबेस से क्रिएट किया था वो यहाँ पे लिखना है। हमारा जो डेटाबेस था उसका हम चेक कर लेते हैं उसको दोबारा से, कौन सा डेटाबेस था वो। तो मैं यहाँ पे पहले CD करता हूँ और जो डेटाबेस है, ठीक है, उसमें चलते हैं। तो उस डेटाबेस चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, MySQL, ठीक है, -u एंड रूट -p, ठीक है। यहाँ पे आपका जो रूट का पासवर्ड है वापस देना पड़ेगा, एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे 100 डेटाबेसेस, ठीक है, डेटाबेसेस, और यहाँ पे आपको सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डेटाबेस है वो हमने जो डेटाबेस क्रिएट किया था वो ये है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और डायरेक्ट हमारा जो ब्राउज़र है उसमें जाके इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये कॉपी हो गया है। तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट यूज़र था वो था रूट, ठीक है, और उसको हमने पासवर्ड दिए थे 12345 6। तो अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। हमारा जो यूज़र है वो 123 है और इसका जो पासवर्ड ये है। अब इसके नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद हमें ये जो कमांड है एक और कमांड यहाँ पे आगे जाके देनी, ठीक है। तो दोस्तों ये जो कमांड है हम क्या करेंगे, हमारा जो WW वाली जो डायरेक्टरी है उसमें जो OSTicket के अंदर जो हमने पहले किया था वो सेम जो OSTicket वाली जो कॉन्फ़िगरेशन की जो फाइल थी उसको ये कमांड देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से इसको अबॉर्ट कर देता हूँ और वापस उसी डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ, CD var WW OSTicket, और यहाँ से अपलोड वाली जो फाइल है उसके अंदर जाके हम इसको यहाँ से पेस्ट कर देंगे। तो ये जो परमिशन है वो हमने इसको दे दी है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब जो हमारा OSTicket है उसका जो एडमिन पैनल है हम उसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ से क्लिक करेंगे, ठीक है, आपका जो एडमिन पैनल है वो यहाँ से ओपन हो गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से जाके साइन इन पे क्लिक करना है, ठीक है। साइन इन पे यहाँ आपका जो यूज़र है वो आ गया है और यहाँ पे ऑटोमेटिक जो मैंने पासवर्ड सेव किया था वो हो गया है। आप यूज़र के थ्रू भी कर सकते हैं और एजेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन करेंगे, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपका जो OSTicket का एडमिन पैनल है वो यहाँ से ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका जो डैशबोर्ड है, जो भी टिकट्स
आपको मिलेगी वो यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। जो यूज़र है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं, टास्क यहाँ पे बहुत सारे टास्क दे सकते हैं। यहाँ पे जो टिकट्स है आपको किस मतलब कि किसने टिकट अलॉट की है, कितने टिकट अलॉट कर चुके हैं, वो सब चीज़ यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप। नॉलेज बेस इसके अंदर चेक कर सकते हैं आप। डैशबोर्ड में जाएंगे वापस, या फिर यहाँ से आप एडमिन पैनल में आएंगे तो आपको बहुत सारे जो सर्विसेज देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप जो ईमेल्स है, ईमेल्स में जाके आप जो भी रखना चाहते हैं आपका, जो डिफ़ॉल्ट जब भी आप किसी को मेल करेंगे तो जैसे ऑटो रिप्लाई, नो रिप्लाई, कुछ इस टाइप का आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और आपका जो भी यूज़र है वो आपके जो इस टाइप के कुछ मेल देखेगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल ओएस टिकट के ऊपर, जिसमें हमने सीखा है कि ओएस टिकट को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो तो प्लीज़ आप इसे जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर लिखें। और आपको अगर कमांड लाइन में कुछ दिक्कत आती है तो मैंने ऑलरेडी जो आर्टिकल है वो हमारी साइट linuxgeeks.com पे अपलोड कर रखा है, तो आप वहाँ से जो भी कमांड चाहिए आपको वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, शेयर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।